प्याज को मैं यूज करूंगा मिक्सी में पीस के, ताकि इसका रोगन अच्छा बने, खाने में बहुत ही अच्छा फ्लेवर टेस्ट आए। और साथ में बताना चाहूंगा रवि सर, आई एम रियली सॉरी, टमाटर लाल है तो मैं जा रहा हूँ इस टमाटर को डालने के लिए मिक्सी में पीस के। और ये वीडियो आप जब चिकन खा लोगे तब मैं इसे। तो गुड मॉर्निंग, तो सुबह हो चुका है और आज ऑफ है मेरा, तो मैं जा रहा हूँ चिकन लेने के लिए, क्योंकि आज चिकन बनाना है और पुष्पा जी का भी ये डिमांड है कि आज चिकन ही खाना है वैसे भी। तो मैं जा रहा हूँ चिकन लेने के लिए, और 2 दिन से मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया था बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा काम पे बिजी भी था, कुछ पर्सनल काम भी था, ऑफिस का भी काम था, तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। पुष्पा जी जो है अभी किचन में फिलहाल कुछ काम कर रही है, तो क्या है वो चिकन लेके आना है क्या? पक्का? कितना लागू? हाफ के जी, 1 kg? हाफ के जी। तो चलते हैं दोस्तों चिकन लेने के लिए, और बाहर बहुत ज़्यादा धूप हो चुका है तो मैं तो ऑलमोस्ट नहा के रेडी भी हो चुका हूँ। तो जाता हूँ, देखता हूँ बाहर कैसा मौसम है, फिलहाल गर्मी तो लग रहा है, तो चलते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। सच बताऊँ तो बाहर बहुत ही ज़्यादा धूप है अभी फिलहाल, तो चलते हैं नॉनवेज चिकन लेने के लिए, जाना ही जाना है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि बाहर में जो है बहुत ज़्यादा धूप है, कड़ा धूप है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, और अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30, तो निकलते हैं चिकन दुकान की ओर। तो जैसा कि देख रहे हो दोस्तों आप लोग कि बाहर बहुत ही ज़्यादा कड़ा धूप है और मैं चिकन लेने के लिए निकला हूँ, तो मैं जल्दी से जाऊँगा। मुझे तो और भी जल्दी जाना था बट थोड़ा ऑफिस आज नहीं था, ऑफ था, तो सोचा थोड़ा लेट तक सो जाऊँ, तो चलता हूँ। और ये है साइकिल की दुकान, तो ये जैसा देख रहे हो इस गली पे तो पूरा बाढ़ ही आ चुका है, लगता है जैसे रात में बारिश हुआ है, लेकिन ये बारिश नहीं हुआ है। यहाँ पे घर बना, मतलब बना हुआ तो है लेकिन इन लोगों ने ड्रेनिंग सिस्टम अपना सही से नहीं किया है। तो यह है चिकन दुकान, मैं चिकन लेने जा रहा हूँ फिलहाल हाफ के जी, और ये भैया जो है चिकन काटने जा रहे हैं। तो मैंने ये चिकन ले लिया है, धनिया पत्ता नींबू भी ले लिया है सलाद के लिए, तो निकलते हैं घर के लिए पहले। तो मैं घर आ गया और ये है मेरे हाथ में मिर्च, क्योंकि मैं इतना कम मिर्च डालूंगा, और घर आते पुष्पा जी ने इस प्याज को भी काट दिया है। तो मैं चलता हूँ, पहले तेल मेरा गर्म हो गया है तो मैं इसमें डालता हूँ थोड़ा सा चुटकी भर जीरा। तो ये मैंने डाल दिया है जीरा इस पर, और इसमें अब थोड़ा इसे मतलब जीरा को पकने के लिए छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं डालूंगा इसमें थोड़ा सा मैं हरी मिर्च। तो चलता हूँ, पहले मिर्च को मैं तोड़ लेता हूँ अच्छी तरीके से। तो ये है मिर्च, मैंने तोड़ लिया है टुकड़ों में, और मैं डालने जा रहा हूँ इस ऑयल पे, और इसे थोड़ा सा ब्राउन होने के लिए छोड़ दूंगा। अब ये तेज़पत्ता को भी डाल देता हूँ, और इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगा जब तक ये ब्राउन होकर फ्राई ना हो जाए प्याज को, मतलब प्याज फ्राई ना हो जाए। तो चलते हैं, पहले लहसुन भी छील लेते हैं। तो दोस्तों ये जो है मेरा प्याज जो भी है कि गल चुका है हल्का हल्का, और मैं इसे थोड़ा सा गलने के लिए छोड़ दूंगा। और ये है चिकन, मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। तो ये है चिकन जिसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है, और ये जो चिकन है स्पेशली तो मैं घर के लिए बना ही रहा हूँ, साथ ही साथ मैं एक स्पेशल गेस्ट के लिए भी बना रहा हूँ, जो मेरे सब्सक्राइबर है और मेरे बॉस है, जिनका नाम है रवि कान, जो मेरे मैनेजर है, मैं उनके लिए बना रहा हूँ अच्छे तरीके से। तो देखते हैं उनको पसंद आता है या नहीं आता है, तो जल्दी से मैं बनाता हूँ उनके लिए भी। तो दोस्तों ये प्याज जो है मेरा ब्राउन हो चुका है, तो अब मैं डालूंगा इसमें चिकन। तो मैं चिकन तो ऑलरेडी धो रखा हूँ पहले से, तो मैं जा रहा हूँ चिकन डालने के लिए, और थोड़ी थोड़ी करके मैं चिकन डालूंगा और इसे मिलाऊंगा प्याज में कि अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। और ये लाल मिर्च भी मैंने डाला है क्योंकि इस पर कलर वाली लाल मिर्च मतलब आ जाए। और ये है चिकन, तो पहले मैं लेग पीस को डालूंगा क्योंकि अच्छे से फ्राई हो। तो ये है जैसा कि आप देख रहे हो लेग पीस, तो जा रहा हूँ जल्दी से इसे डालने के लिए, और ये अच्छे से फ्राई होगा क्योंकि ये है रवि सर के लिए। तो मैं जल्दी थोड़े 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 करके चिकन को डालता हूँ और इसे मिक्स करता हूँ। तो मैंने डाल दिया थोड़ी सी चिकन जैसा कि आप देख रहे हो, अब मैं इसे थोड़ा सा मिक्स करूँगा अच्छे तरीके से। तो ये मिक्स ऑलरेडी हो चुका है थोड़ा थोड़ा, अब मैं जितना भी बचा हुआ चिकन जो है बॉल पे, तो उसे मैं इसे डाल दूँगा इस कढ़ाई पे। तो चलता हूँ, पहले डाल देता हूँ क्योंकि टाइम भी बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तो जल्दी से पहले इसे डाल देता हूँ पूरे चिकन को। तो ये रहा पूरा चिकन जैसा कि आप देख रहे हो, तो जैसा कि देख रहे हो अब ये पूरा चिकन आ चुका है मेरे हाथ पे। तो मैं जा रहा हूँ इसे डालने के लिए अच्छे तरीके से कढ़ाई पे पूरे के पूरे, और मैं इसे देर तक फ्राई करूँगा। तो मैंने डाल दिया है इस पर चिकन सारा का सारा, और मैं इसे अच्छे तरीके से फ्राई करूँगा, थोड़ी देर तक भूनूंगा इसे धीमी आँच पर, ताकि ये अच्छे से पके और खाने में टेस्टी लगे। तब तक मैं 2-4 फ़ोटो क्लिक करके रवि सर को शेयर कर देता हूँ ताकि उनके मुंह पे पानी आ जाए। तो दोस्तों मैंने अभी जो है इस चिकन को डाल दिया था, अब ये हल्का हल्का फ्राई हो रहा है। अब मैं जो इसमें डालने वाला हूँ ग्रेवी के लिए, तो वो मैं क्या डालने वाला हूँ वो दिखाता हूँ आप लोगों को, और साथ में रवि सर आप भी देखिए। तो दोस्तों फिलहाल अभी जो चिकन को है मैंने फ्राई के लिए डाल दिया है यहाँ पे,
अब ग्रेवी के लिए मैं जा रहा हूँ, प्याज को मैं यूज़ करूँगा मिक्सी में पीस के, ताकि इसका रोगन अच्छा बने, खाने में बहुत ही अच्छा फ्लेवर टेस्ट आए। और साथ में बताना चाहूँगा रवि सर, आई एम रियली सॉरी, टमाटर लाल है तो मैं जा रहा हूँ इस टमाटर को डालने के लिए मिक्सी में पीस के। और ये वीडियो आप जब चिकन खा लोगे तब मैं इसे अपलोड करने वाला हूँ और आपके साथ मोए मोए हो जाएगा। तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और साथ में शेयर करिएगा। रवि सर आई एम रियली सॉरी, टमाटर मैं डालने वाला हूँ लेकिन आज पीस कर। तो बाय बाय। तो दोस्तों मैंने इस टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में डाल दिया है मिक्सी जार में, और अदरक लहसुन को भी। और मैं जिनके लिए बना रहा हूँ वो टमाटर मतलब कि वो नहीं खाते हैं रवि सर, और मैं जानबूझकर नहीं डाल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ इसलिए कि मैं उनको अच्छा टेस्टी चिकन टेस्ट करा पाऊँ, इसलिए मैं टमाटर डाल रहा हूँ। तो सर आई एम रियली सॉरी। तो ये है मेरा जादू का पटारा, जिसमें कि भारतीय मसाला है, और इसमें मसाले को मैं डालने वाला हूँ चिकन पे। तो ये चिकन फ्राई हो चुका है, अब मैं डालने वाला हूँ इसमें टमाटर का पेस्ट प्याज के साथ, जो मैंने मिक्सी में पीसा था। एंड आई एम रियली सॉरी सर, मैं फिर से बता दूँ कि मैं आपको टेस्टी चिकन टेस्ट कराना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसे डाल रहा हूँ। तो मैं इसमें डालने जा रहा हूँ पेस्ट, और साथ में इसे अच्छे तरीके से फ्राई करूँगा और भी अच्छी तरीके से। तो दोस्तों मेरा जो है ये चिकन फ्राई अभी हो चुका है और बहुत ही यम्मी और टेस्टी है। अभी फ़िलहाल तो मैंने टेस्ट नहीं किया है, तो फिलहाल जा रहे हैं, पहले निकालूंगा खाने के लिए। चावल भी मेरा बन चुका है। हेलो दोस्तों, तो फिलहाल मेरा जो है चिकन बन चुका है, अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो फिलहाल मैं है अभी सलाद काट रहा हूँ, और नींबू ऑलरेडी मैंने काट रखा है, तो पहले इसका सलाद भी बनाऊँगा और चिकन मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कैसा है। तो आइए पुष्पा जी चिकन दिखाते हैं। तो फिलहाल जैसा कि आप देख रहे हो, ये चावल जो है ऑलमोस्ट बन चुका है मेरा, तो हम लोग जा रहे हैं पहले चावल निकालेंगे। अब चिकन का है तो चिकन दिखाते हैं, आइए। तो दिल थाम के बैठिए, और ये है टेस्टी टेस्टी चिकन। तो जैसा कि आप देख रहे हो, आई होप कि आप लोगों को देखने में अच्छा लग रहा होगा। रवि सर टमाटर है इसमें। तो फिलहाल जा रहे हैं खाने के लिए, बैठने के लिए, फिर सर का भी टिफिन पैक करना है और उनको मुझे ऑफिस जाना होगा, तो चलते हैं निकालने के लिए। और दोस्तों प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और साथ में सब्सक्राइब करिएगा। और जिसको भी चिकन खाना है तो वो सब्सक्राइब करने के बाद हमें हाय और हेलो लिख कर जरूर भेजें, तो हम उन्हें भी चिकन खिलाएंगे अपने हाथों से बनाकर। लेकिन ये बोलने वाली बात है। तो जा रहा हूँ निकालने के लिए। तो चिकन तो है बहुत अच्छा बना है, और नवरात्र भी ख़त्म हो चुका था, तो आज पहला मतलब कि ऑफ था मेरा, तो चिकन बनाए हैं हम जैसे कि आप देख रहे हो। तो हम लोग जा रहे हैं चिकन खाने के लिए, और चिकन खाने के बाद देखते हैं क्या करना है, या कहीं बाहर जाने का प्लानिंग हो पुष्पा जी का तो बाहर भी जाएंगे, क्योंकि आज एक दिन का ऑफ मिलता है तो उसमें भी कर लेंगे। तो कहीं जाना है पुष्पा जी आपको? खाना खाने के बाद देखेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा बाहर धूप है, तो अगर मान लो बाहर जाते भी शाम को जाओगे, हाँ तो ठीक है। पहले सर को, पहले मैं ऑफिस जाऊंगा, पहले सर के लिए जो स्पेशल मैंने चिकन बनाया है तो मैं लेकर जाऊंगा। हाँ तो एक्चुअली क्या है ना कि जो रवि सर है वो मेरे मैनेजर है, मतलब मेरे से 4-5 लेवल अपर है, ऊपर है, तो मैं उनके लिए चिकन बनाया हूँ, क्योंकि मेरे ब्लॉग वो देखते हैं तो उनको मतलब ऑलमोस्ट वो भी बिहार से बिलोंग करते हैं, तो मेरे हाथ का चिकन खाने का उनको बहुत ही मन किया कि जेपी मेरे को चिकन खाना है। मेरा नाम जयप्रकाश है तो मुझे जेपी बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो है चिकन मेरा बन चुका है, और मैंने पुष्पा जी को निकाल कर दिया है यहाँ पे एक लीवर पीस। तो कैसा बना है टेस्ट करके मुझे बताइए पुष्पा जी। बहुत अच्छा बना है। एक बार टेस्ट तो करिए सही में। हाँ। मुझे दिया भी नहीं। अच्छा कोई बात नहीं। तो दोस्तों खाना मैंने खा लिया, टेस्ट भी किया, बहुत ही टेस्टी है। अच्छा लगा आपको? पक्का? तो चलते हैं खाना खाने के लिए। दोस्तों टाइम ऑलमोस्ट मतलब कि एक बज चुका है, तो जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो दोस्तों देखा, आप देख रहे हो कि हम निकाल चुके हैं यहाँ पे खाने के लिए, तो जा रहे हैं खाने के लिए। सच बताऊँ तो बहुत ही अच्छा बना है, पुष्पा जी ने टेस्ट किया है, बहुत ही अच्छा है। नमक कैसा? नमक ठीक है? सब बहुत अच्छा है। पक्का? तो बहुत ही टेस्टी बना है दोस्तों। मैं दिखाता हूँ आप लोग को जूम करके कैमरे में। ये है जैसे कि देख रहे हो चिकन मसाला विथ, और ये है रवि सर का टिफिन, तो ऑलमोस्ट पैक हो चुका है। पुष्पा जी भी यहाँ पे खा रही है, और इसने अच्छा रोगन वाला ग्रेवी यहाँ पे मांगा था तो उसे मैंने निकाल के दिया है। तो ये जो है टिफिन पैक हो चुका है रवि सर का, और मैं जा रहा हूँ पहुँचाने के लिए, लेकिन अभी नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा करीब 4 या 5 बजे। अभी तो फिलहाल 3 घंटा टाइम है, धूप भी बहुत ज़्यादा है, तो अभी इतना थोड़ा बर्तन भी साफ करना है। तो खाना तो हमारा हो चुका है दोस्तों, पुष्पा जी भी जो है खाना खा ली है। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय सियाराम।